वाओ मगर तुम इतने दिन बाद मिले, क्या किया क्या किया क्या किया बताओ, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। गुड मॉर्निंग, देखो क्या है ट्री, क्या है बेबी, कुछ क्या सुन रहे, क्यों हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है, 3 घंटा ले लिया हमने, 3 hours अब तक पहुंच रही है, पाउट किसी दे दो, दे दो मुझे किसी, दे दो दे दो, डैडा सरप्राइज होंगे शॉक होंगे, पहले बताओ डैडा को, हम लोग बताए नहीं है, डैडा को बताया नहीं है, पियाना पहुंचा, 9:15 हो रहा है, 3 घंटा ट्रेन लेट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देखते हैं सरप्राइज या शॉक, स्टे ट्यून्ड। लुधियाना अभी, जलंधर फिर पठानकोट, सो यस मैं पठानकोट आई हूँ, यहाँ पे हो रहा है, अभी हम लोग जलंधर भी नहीं पहुँचे हैं, लुधियाना तो क्रॉस हो गया, जलंधर अभी क्रॉस करना बाकी है, 10:30 बज रहा है, 12 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते, 12:00 को भी दो, नहीं दोगे, नहीं ठीक है खा लो। 12:10 हो गया, अभी तक पहुंचे नहीं, अभी तक पहुंच नहीं तुम्हारी वजह से ट्रेन लेट है बहुत ज्यादा। बेबी हाय कर दो, हाय डैडा को, हाय करो, हाय करो, हाय करो, नहीं डिंपल बॉय हाय करो, हाय करो, नहीं करना है, फोन निकालो, तो वो भैया हमारा लगेज लेके जा रहे हैं, पठानकोट पहुंच गए हम, डैडा को बताया ही नहीं है तो उनको बुलाती कैसे, सो यहाँ से ऑटो लेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे गेट पे और शॉक करेंगे क्योंकि सरप्राइज नहीं होने वाले, वो शॉक ही होंगे, चलो 1 2 3 बहुत, रुको अंकल को जाने दो, चलो अभी तो कहाँ जा रहे हो आगे, तो हमें ऑटो मिल गया, हम ऑटो ले लिए हैं, अब हम ऑटो से जाएंगे घर, डैडा को शॉकिंग न्यूज देंगे कि सरप्राइज होंगे, अभी भी सरप्राइज, चलो ठीक है सरप्राइज, पहुंच गए, चलो 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 आ जाओ, चलो चलो आओ, बेल बजाओ, जाओ बेल बजाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ, अच्छा बेल बजाओ, चलो 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 बेल बजाओ, आवाज नहीं करनी मुझे, धीरे धीरे आ जाओ, सही है, सही है।
सही है, सब सही है। ये है क्या ये लड़का यार, ये तो पीछे है यार, ये पीछे है क्या भाई? तो अभी अपने बर्तन में खाना खा रहा है, रो बजा है, देखो ये बनाया है ताकि कपड़े गंदे ना हो, आदमी का बर्तन है। हाँ जो भी मैंने नया लिया है, ये भी नया लिया है, ये भी नया लिया है, इसका पूरा सेट है, बाद में दिखाऊंगी, अभी इसको खिला देते हैं लोगों को। मैंने लोग तो लगता है कभी यहाँ कोई इंसान था ही नहीं। कोई इंसान नहीं था इसके पहले। किचन साफ कर दिया है, नीचे कभी झाड़ू पोछा लगाना बाकी है। आदमी का रूम ऑलमोस्ट सेट कर दिया मैंने, और कुछ सामान मैं घर से लाई हूँ, खिलौने वगैरह वो भी सेट करना है। फ्रिज इतना गंदा हो गया था कि पूछो नहीं। फिर फ्रिज को भी पूरा साफ ऑफ किया है, सेट कर दिया, वो भी सेट कर देते हैं, क्लीन हो गया। इंसान जैसे रहते ही नहीं मेरे पति तो, क्या किया जाए। आदविक भाई साहब को थोड़ा पार्क लेके आए, इतना रो रहा है ये, इसको मन ही नहीं लग रहा इधर, इसलिए थोड़ा पार्क घुमाने के लिए गया क्या है जहाँ लेके आते थे, है ना बेबी? पहचान ही नहीं रहा अपने डैडा को, और चुप ही नहीं हो रहा था एकदम, इसलिए थोड़ा घुमाने ले आए, आधा काम छोड़ के आई हूँ मैं। नहीं घर से खा के, वाओ बेबी, इनको याद दिलाना पड़ रहा है कि इनके बाऊ हैं, इसलिए टहलाने ले आए हैं। वो तो अच्छा हुआ 12-13 दिन ही रह के आई, एक दो महीना रह लेते तो भूल ही जाता एकदम से ही, बोलता नया डैडी लाके दो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, आज भी को चिप्स दिला तो हुआ कि चलो थोड़ा टहल के आइसक्रीम भी खा लेंगे इधर। जैसा कि बर्तन दिखा देते, गैस कर दिया है मैंने क्लीन, और आज भी का ऑलमोस्ट सारा, ये देखो रूम पूरा सेट हो गया। जो बाकी टॉयज भी लेके आई थी, जैसे भी बुक्स लेके आई थी मैं वापस, उसकी नानी वाला हिंदी वाला बुक भी ले आई थी, सब सेट कर दिया है, सारे टॉयज उसके सेट कर दिए हैं। वो अभी पियानो और ABCD से खेल रहा है, दिखाती हूँ। और ये भी रूम मैंने देखो सेट कर दिया, कैसा था गंदा, हे भगवान। हाँ एक और, हाँ। सो गाइज ये था सरप्राइज स्लैश शॉकिंग न्यूज़ फॉर इज डैडा, एंड आप लोगों ने देखा उनका रिएक्शन, हे भगवान। आज तो काम कर करके कमर टूट गई, अभी 8:30 बज रहा है, अभी झाड़ू पोछा बाकी है, तो मैंने सोचा वो कल करेंगे क्योंकि अब नहीं हो पाएगा, पूरा कपड़ा फैला हुआ तो उसको फोल्ड करके रखना। आदमी का रूम कम्प्लीटली मेस था, फिर लगेज भी सारा अनपैक कर दिया है, सब कुछ हो गया है, तो झाड़ू पोछा कल करेंगे, और बाकी सब तो कर लिया है। और बॉबी रेड जस्ट बगल वाले भैया के पास गए हैं, आएंगे तो उनका भी रिएक्शन आप लोगों को पूछवाऊंगी। और आदमी अभी ABCD पढ़ रहा है अपने ये बोर्ड बुक से, साथ में पियानो बजा रहा है, और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, क्योंकि याद बिक ने कुछ ठीक से खाया नहीं है। तो अभी बॉब के डैडा आ जाते हैं ना बोलाने से, तो मिलवाती हूँ। क्या ट्रैवलिंग है यार, 3.5 घंटे लेट थी ये ट्रेन, और ये टिकट मैं तो भगवान लास्ट सैटरडे से ट्राई कर रही थी, ट्राई करते 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 फाइनली मुझे कल का टिकट मिला, वो भी मैं यूजली बेगमपुरा से ट्रैवल करती हूँ, बट मुझे रचना में मिला। रचना सिर्फ ट्रैवल होता है ट्यूसडे और सैटरडे को ये ट्रेन चलती है, बट लकीली मिल गया, और मुझे एक का डबल देना पड़ा, वो तो क्या ही बताऊँ मैं। लाइक टिकट का प्राइस वॉज 2100 रुपीज़, बट आई हैव टू गिव 3500 ऐसे कुछ तो पे किया भाई ने, भाई ने दिया है तो भाई का हिसाब वो समझे तो। और बहुत ही मुश्किलों से मिला, तो इट वॉज सो डिफिकल्ट, बट फाइनली मुझे मिल गया। और मम्मी को देखने गई थी तो मम्मी को देख के आ गई। 12-13 दिन थी मैं, बहुत ही अच्छा दिन बिता, आने का मन तो नहीं था बट किसी अर्जेंट वर्क की वजह से मुझे आना पड़ा। वो अर्जेंट वर्क क्या है मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगी, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगी, बट वो ज़रूर बताऊंगी, बट अभी नहीं, पहले वो काम तो हो जाने दो, काम हो जाने दो, फिर मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी कि मुझे अर्जेंटली आना क्यों पड़ा। और बाकी तो सब ठीक है, लेट्स सी अब कैसा दिन बीतेगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी तो आते, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि पूछो नहीं। फिर उसको हम लोग पार्क लेके गए, उसको याद दिलाया कि भाई तू ये पार्क में खेलता था, उसको थोड़ा झूला उला झुलाए, और गाड़ी में बैठा के थोड़ा इधर उधर घुमाया ताकि उसको याद आ जाए। उसको नाना नानी सबकी याद बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर घर में मैंने कॉल करके सबसे बात करवाया, सबने बात किया, फिर भी इसका मन नहीं मान रहा था, रो ही जा रहा था, बट नाउ इज़ फाइन। तो अभी तो इन्जॉय कर रहा है, बट देखती हूँ कब तक। सो अभी चलती हूँ फटाफट, इसको खाना बनाती हूँ, फिर बॉब के डैडा आते हैं तो मिलवाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को गुड नाइट बोलेंगे, ठीक है? सरप्राइज या शॉक? शॉक क्यों भाई?
पलट के। हाँ शॉक क्यों हो गए? 1 2 3 एक्टिंग मत करिए कैमरा ऑन है तो। 5 6 7 8 9 10 क्लैप 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 क्लैप। वो क्यों आना पड़ा बताएंगे? क्यों आना पड़ा? क्यों आए हम बताइए भैया? तुम्हारी तुम्हारा घर है, तुम आ सकती है कभी। अच्छा एक मिनट बेटा समझा दो, दीजिए उसको बेबी समझा, बेटा को समझा दो, इतने दिन क्या किए बताओ, समझाओ डेडा को, मार दो डेडा को तो। अरे इसको घिसिए मत बेबी, समझा दो डेडा को, समझा दो, पूछो इतने दिन क्या किया। मार 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 तेजी से, मार 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 मार, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, हाँ क्या किया। लेकिन यार ये किसी को भी मारने को किसी को नहीं मारता, सिर्फ आपको मारता है, क्यों जानता है ना किसको मारना है किसको नहीं मारना है। हाँ मा मार बेबी, गुड बॉय। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, इस आदमी को लगता है कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं क्यों आई हूँ, ठीक है, और ही इज शॉक्ड, मैंने बताया ही था। कितना शॉक्ड है आप, कितना परसेंटेज? अरे बताइए यार, अब उसमें परसेंटेज कहाँ से काउंट करूँ? तो एक्चुअल रीजन तो मैं जल्दी बताऊंगी, बताऊंगी क्या, दिखाऊंगी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मैं दिखाऊंगी, और विद ऑल प्रूफ एंड डाटास द डिटेल विल बी शेयर्ड विद एवरीबडी, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत ही एक्साइटिंग रीजन है क्यों मैं आई हूँ, सो जिससे सबकी मजा आएगा, है ना बेबी। सो अभी तो इतना ही, और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, हिट ऑन बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, और आने वाले ब्लॉग्स और भी मजेदार होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स। और देखो 1 2 3 बेबी टाटा कर दो, बाय टाटा, गुड नाइट किची, जय जय, नमस्ते, बाय 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 टाटा टाटा, आई विल सी यू टुमारो, बाय। बोलिए जल्दी टाटा, बाय बाय।